जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। दिल की बात में आपका स्वागत है। मैं संगीतकार चिराग भोजक। फागुन सुद तेरस का दिन था, सब दादा की यात्रा करने गए थे। पालीताना पर्वत पर चढ़ रहे थे और इतना अद्भुत नज़ारा था। सबके दिल में एक ही गाना था, तूने मुझे भुलाया, मैं आया आदिनाथ। सब अलग अलग मन में स्तवन गाते थे। कोई गाता था, एक बार मुखड़ो बताओ दीनानाथ जी। कोई मन में बोलता था, दादा आदेश्वर जी, दादा आदेश्वर जी, दूर से आयो माने दर्शन दे। और मेरे जैसा कोई व्यक्ति था, वो ये गाना गाता था, बोल बोल आदेश्वर दादा, काई तारी मर्जी रे। सब दादा के दर्शन करने जा रहे थे। उसके अंदर की एक बहुत ही सुंदर और अच्छी सी घटना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक अंधा व्यक्ति था, दादा के दरबार में वो भी यात्रा कर रहा था। वो भी दादा का नाम जपते जपते जा रहा था। 10, 20, 30 पगथिए वो चढ़ता है, दादा के पगथिए चढ़ता है, तो अचानक एक भाई साहब को ठोकर लग जाती है उसकी। तो भाई साहब बोलते हैं, काका साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों ऊपर जा रहे हो? तो भी वो अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, दादा आदेश्वर जी, दादा आदेश्वर जी, दूर से आयो मोने दर्शन दे। वापस थोड़ी दूर चलते तो वही भाई साहब को ठोकर लगती है और वो भाई साहब गुस्से में बोलते हैं कि काका साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों ऊपर जा रहे हो? उससे अच्छा तो आप नीचे ही बैठे होते तो अच्छा था। तब वो काका साहब बहुत प्यार से और सुंदर बात उसे कहते हैं कि भाई तेरी बात सच्ची है, मैं आंखों से अंधा हूँ, दादा के दरबार में जा रहा हूँ, आपको थोड़ी तकलीफ हुई इसके लिए मिच्छा में दुख रहा हूँ, मगर एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। जब तू और मैं दोनों जन दादा के दरबार में पहुँचेंगे, तुम भी दादा के दर्शन करोगे, मैं भी दादा के दर्शन करूँगा, आपकी बात सही है, मैं आंखों से अंधा हूँ, मगर एक बात याद रखना भाई साहब, आप और मैं दोनों जब दादा के दरबार में हाथ जोड़ेंगे, मैं तो आँख से अंधा हूँ, मगर मेरा दादा तो आँख से अंधा नहीं है ना, वो तो मुझे देखेगा ना। कहने का तात्पर्य इतना है कि बोलो तो मीठी वाणी बोलो, प्यारी वाणी बोलो, मधुर वाणी बोलो। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जितना भी हमें जीवन मिला है, माँ बाप की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, गुरु भगवान की सेवा करो और परमात्मा का हो सके उतना नाम जपते रहो, जपते रहो। मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर अवश्य करना। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो त्रिवेणी त्रिवेणी मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म।